पाकिस्तान में एक परंपरा रही है कि किसी भी नेता को प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर पर बेवजह बयान देना जरूरी है। शहबाज शरीफ ने भी इस परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने के साथ ही शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान की संसद में कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते तो चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के हल होने से पहले ये संभव नहीं है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि आइए हम लोग कश्मीर के मुद्दे का हल खोजें, आवाम को गरीबी और बेरोजगारी से निकालें। वैसे शहबाज इतने शरीफ नहीं है कि उन्हें पता ना हो कि अकेले कश्मीर में इतना विकास हो चुका है जितना पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है, विदेशी कर्ज पर देश चल रहा है, दुनिया का कोई भी देश वहां निवेश नहीं करना चाहता, लेकिन वो बात तो कश्मीर की करेंगे। बहरहाल शहबाज शरीफ पीएम मोदी और कश्मीर का नाम लेते रहे और अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ट्वीट करके शहबाज शरीफ का ऐसा स्वागत किया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पीएम मोदी ने शिष्टाचार दिखाते हुए शहबाज शरीफ को बधाई तो दी, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि भारत शांति और स्थिरता चाहता है जहां पर आतंक के लिए कोई जगह ना हो। ऐसा होने पर हम विकास रूपी चुनौतियों पर जोर दे पाएंगे और अपने अपने लोगों का भला कर पाएंगे। पीएम मोदी का ये ट्वीट इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उन्होंने बधाई देने के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा भी उठा दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को स्पष्ट संदेश दे दिया कि आतंकवाद की अब कोई जगह नहीं है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.